ऐसे ऐसे कई राजनीतिक चेहरे जो है उनपे से पर्दा उठ रहा है। जहां एक तरफ जो महागठबंधन है उसमें खलबली मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे बिहार के डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, जिन्होंने वीआरएस लेकर जदयू ज्वाइन किया था और उन्होंने बक्सर सीट से दावेदारी की थी, उन्होंने कहा था कि वो बक्सर से ही चुनाव लड़ेंगे, उनको पूरी उम्मीद थी कि जदयू उन्हें टिकट देगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी ताकि वो बक्सर से चुनाव लड़ पाए। लेकिन ऐसे में जदयू ने अपने सभी प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें बक्सर से जो गुप्तेश्वर पांडे हैं पूर्व डीजीपी, उनका नाम नहीं है, उनका नाम लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है। और देखा जाए तो जो गुप्तेश्वर पांडे की जो उम्मीदें थी उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है, क्योंकि जितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने वीआरएस लिया था, जितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर जदयू ज्वाइन किया था चुनाव से ठीक पहले, ऐसे में जो लोग हैं वो भी तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उन सभी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनको नीतीश कुमार और जदयू पर पूरा भरोसा था। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जदयू पार्टी ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का भरोसा तोड़ दिया है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें गुप्तेश्वर पांडे नहीं है। अंजुम आरा बक्सर से वो दावेदारी कर रही है, उनका लिस्ट में नाम आया है। तो ऐसे में अब जैसे देखा जाए तो जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, जैसे ही पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया, और देखा जाए तो चुनाव 3 चरणों में है, ऐसे में जो पहले चरण का जो प्रत्याशियों का जो नाम आया उसमें गुप्तेश्वर पांडे का तो नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही जदयू ने अपने सभी प्रत्याशियों का लिस्ट निकाला उसमें भी गुप्तेश्वर पांडे कहीं भी नजर नहीं आए। ऐसे में अब गुप्तेश्वर पांडे जी का क्या कहना है वो देखने वाली बात होगी, उनकी नीतीश कुमार से कितनी उम्मीदें थी ये भी देखने वाली बात होगी, और ये उनसे जान के ही पता चलेगा कि आखिर इतने बड़े पद से जो बिहार में देखा जाए किसी भी कानून व्यवस्था में सबसे अव्वल पद होता है वो, जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था, पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उन्होंने बक्सर सीट पर दावा किया था, ऐसे में इन सभी के बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके सभी दावों पर उन्होंने उनके सभी दावों को खारिज करते हुए उनका नाम लिस्ट में कहीं नहीं दिया है। तो अब जो भी है वो सब आपके सामने है, और ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या वो किसी और पार्टी से दावा करते हैं या वो उसी पार्टी में रहना चाहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए अजय भारत के साथ, धन्यवाद।